नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। ऋषिकेश में पृथ्वी दिवस के मौके पर मोनिकीरेती क्षेत्र में वन विभाग ने स्वामी नारायण आश्रम, ओंकारानंद इंस्टीट्यूट और नगर पालिका के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान एक ट्रक कचरा इकट्ठा कर डंपिंग ग्राउंड भेजा गया। स्वच्छता अभियान में सहयोग देने वाले सभी स्वसेवियों ने अपने अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखने का संकल्प भी लिया। आज स्वामीनारायण वैदिक ऋषिकुल के ऋषि कुमारों एवं ओंकारानंद इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर आज हम सब ने सफाई अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत लक्ष्मण झूला क्षेत्र जो है, तपोवन क्षेत्र है, उनके अंदर लगभग एक ट्रक जितना कूड़ा उठाया और उसको निस्तारण किया। ये प्रभागीय वनाधिकारी महोदय के आदेश थे कि यहाँ पर साफ सफाई अभियान चलाया जाए, तो इसके तहत हमने नगर पालिका, स्वामीनारायण आश्रम, ओंकारानंद इंस्टीट्यूट और स्थानीय पत्रकार और अन्य हमारे जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उनके सहयोग से आज एक साफ सफाई अभियान तपोवन क्षेत्र में चलाया गया और इसमें हमारे द्वारा लगभग एक ट्रक कूड़ा हमारे द्वारा एकत्रित किया गया और इसमें जो हमारे द्वारा जो कूड़ा एकत्रित किया गया उसका निस्तारण के लिए हमने उस कूड़े को नगर पालिका की जो गाड़ी साथ में चल रही थी उसको डाल दिया और कूड़े का निस्तारण नगर पालिका के द्वारा किया जाएगा। चारधाम यात्रा के दौरान शहर के सड़कों पर पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए पुलिस और नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने बाहरी राज्यों से आकर शहर में रहने वाले लोगों का सत्यापन भी करना शुरू कर दिया। आगामी चारधाम यात्रा को मद्देनजर रखते हुए उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार ऋषिकेश बाजार में अतिक्रमण और सत्यापन की कार्रवाई की गई है, जिसमें जो है 25 लोगों के चालान काटे गए हैं और अतिक्रमण को हटाया गया है। ऋषिकेश बाजार में घाट रोड पे, मुखर्जी मार्ग पे और लाजपत राय रोड पे और मेन बाजार में जो है चालान की कार्रवाई की गई है। अलीगढ़ में पुलिस ने महिलाओं के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर गांव की सीधी साधी महिलाओं को अपने साथ ले जाती थी, उसके बाद उनके बच्चों को गायब कर दिया करती थी। पुलिस ने इस मामले में 4 महिला सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। महिला ने ये पुलिस को सूचना दी कि उसकी 18 दिन की लड़की को पैसे दिलवाने के बहाने यहाँ पर एक महिला ने बुलाया और उसके बाद उसकी लड़की को वो शाम तक उसकी लड़की को लेके चली गई है और उसने ये आशंका जताई कि उसकी लड़की को उससे हटा लिया गया है, अपहरण कर लिया गया है। इसी पे पुलिस ने सूचना पे कार्य करते हुए इसमें बच्ची को रिकवर कराया है और इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उषा पत्नी रामपाल, नेहा पत्नी विष्णु, विमला देवी पत्नी वेद प्रकाश, विष्णु पुत्र वेद प्रकाश, अभिषेक वेद प्रकाश और रेणु पत्नी सुरेश। नैनीताल के विकास खंड कोटाबाग में रोजगार से इच्छुक अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चालू की गई। प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार व्यक्तियों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। सरोवर नगरी नैनीताल में भारतीय जनता पार्टी मंडल नैनीताल की बैठक में मंडल अध्यक्ष आनंद सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें बीजेपी उत्तराखंड के माइक्रो डोनेशन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई। नोएडा में साइबर क्राइम ने साइबर ठगी करने वाले 2 ठगों के गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो बैंक के फर्जी टोल फ्री नंबर जारी करके कोई भी इन्हें बैंक ग्राहक कॉल करता तो इस सहायता के नाम पर क्विक सपोर्ट ऐप इंस्टॉल कराते और फिर ग्राहक के खाते में पड़े रुपयों को अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया करते थे। स्टीफन बी थॉमस ने
कि उनके बेटी बाहर रहती हैं, उनका इंटरनेट बैंकिंग अपने मोबाइल पे लेना था, तो उन्होंने ऐसे ऐसे बैंक का अकाउंट था, उन्होंने ऐसे ऐसे बैंक में टोल फ्री नंबर गूगल पे सर्च किया और टोल फ्री नंबर पे कॉल किया, तो वहाँ से ये हुआ कि आपको अभी मोबाइल सेक्शन से आपको बात की जाएगी। उसके तुरंत बाद ही एक मोबाइल नंबर से कॉल आता है उनको कि सर मैं बैंक मैनेजर बैंक से ही बोल रहा हूँ, बिहार पे बोल रहा हूँ, और आपकी सर इंटरनेट बैंकिंग चलनी है और आप उसमें आपको जो भी आवश्यकता है हम आपको बता रहे हैं। तो उन्होंने इनकी सब जितना भी डिटेल हो पूछ लिया, क्विक सपोर्ट ऐप डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद इनके खाते से 5,97,000 रुपये निकल गए। तो इस संबंध में फिर वो आकर के हमारे यहाँ भैया लिखे, ये सीआईएसएफ से रिटायर्ड हैं, सीआईएसएफ रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं, तो ये इन्होंने आके हमारे थाने में भैया लिखा, ये फाइल लिखा, इन्वेस्टिगेशन जांच में ये तब प्रकाश में आया कि इनके द्वारा ये बैंक लोन फर्जी मतलब लोन आपको लोन फाइनेंस के नाम पर लोगों को बता करके आपका लोन हो जाएगा और उनसे डॉक्यूमेंट नेम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सब प्राप्त कर लेते हैं। ऋषिकेश एम्स में दवा और उपकरणों में अनियमितताओं का मामला सामने आया है, जहां उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली समेत 24 स्थानों पर छापा मारा गया। छापा पड़ने की खबर से एम्स के प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था ऋषिकेश में 4.41 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। सीबीआई ने स्वीपिंग मशीन और फर्जी ढंग से मेडिकल स्टोर स्थापित करने के अलग अलग मामलों में एम्स के 5 अधिकारियों समेत 8 लोगों पर 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। ग्रेटर नोएडा के जेवर में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने छापेमारी करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के द्वारा अवैध रूप से हथियार बनाकर बेचा करते थे। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि 2 पिस्टल, 7 अवैध तमंचे, भारी मात्रा में तमंचे और हथियार तैयार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। थाना जेवर में एक अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, इनको जेल भेजा जा रहा है। सबसे पहले 4 अभियुक्त स्विफ्ट गाड़ी के साथ 2 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किए गए। इनसे जब गहन पूछताछ टीम के द्वारा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जेवर खादर में रहने वाला जगबीर ये असलाह बनाने का काम करता है और ये लोग उस असलहे को लेकर के सप्लाई का काम करते हैं और जगह जगह बेचते हैं। इस आधार पर वहाँ पे टीम ने जा कर के दबिश दी, उसके दौरान वहाँ पे पिस्टल, 7 तमंचे, 2 पिस्टल, 4 अधवजे तमंचे, कारतूस बनाने के उपकरण, तमंचे की नाल, काफी मात्रा में चीजें बरामद हुई हैं। लक्सर में अस्पताल की लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई है। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के डोसनी गांव निवासी मृतक महिला के पति भरत ने ग्रामीणों के साथ लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार भी लगाई है। करना चाह रहे हैं जी, हम जो डॉक्टर साहब हैं इनको गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जो इन्होंने डॉक्टर भीमराव जी का नाम गंदा करवा दिया है हॉस्पिटल के द्वारा, उसको हटवाना चाहिए। और जी जो हमारी घरवाली की डेथ हो गई उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन नाम को हम ये कहना चाह रहे हैं, जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं उनके नाम को बदनाम किया जा रहा है, उनके नाम की संस्था को उनके नाम से चलाया जा रहा है। और वहाँ पर जो अभी केस हुआ है गर्भवती जो इसकी डेथ हो गई है उसके बारे में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं हमारे महापुरुषों के नाम को बदनाम ना करा जाए और अपने हॉस्पिटल को किसी और नाम से चलाए। एक दोस्तनी की लेडीज थी जो गर्भवती थी, वो बच्चा होती थी, उन्होंने उसको भर्ती भुर्ती कराया वहाँ से, जो डॉक्टर ईश्वरपाल मेसरी के दाब की मेसरी के, जबकि डॉक्टर तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो चोरी जी, वहाँ कहीं केस हुए कैसे।
हम ये चाहते हैं वो डॉक्टर की गिरफ्तारी हो, अगर नहीं गिरफ्तारी हो रही तो हम आज से तीसरे दिन बाद, तीसरे दिन के हम आदमी के लपेट में बाल वाले तिराए को जाम कर देंगे जी। कुशीनगर में पीस कमेटी की बैठक को संबोधित करते एडीएम देवीलाल वर्मा ने कहा कि आने वाले पर्वों की दृष्टिगत जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। उन्होंने ईद के अवसर पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने हेतु अधिशासी अभियंता विद्युत को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कासगंज में 11 और 16 वर्षीय लड़कियों की शादी के मामले सामने आ रहे हैं, जहां कासगंज कोतवाली और सहावर थाना क्षेत्र में दो नाबालिग बच्चियों के विवाह की सूचना मिलने पर समाज सेवी संस्था चाइल्डलाइन ने इन दोनों नाबालिग लड़कियों की शादी रुकवा दी। चाइल्डलाइन के संचालक हरिओम वर्मा ने बताया कि कासगंज कोतवाली के रहमतपुर माफी गाँव से 1098 पर एक कॉल आया कि यहाँ पर 11 साल की बच्ची की शादी घर वाले करा रहे हैं। वहाँ हमने देखा 1098 चाइल्डलाइन के विश्व टोल फ्री नंबर पर एक कॉल आई कि खतौली गांव में एक शादी हो रही है, एक रहमतपुर में हो रही है। तो हमारी टीम ने जो है देखा, पहुँच कर मौके पर, तो वहाँ एक 11 वर्ष की बच्ची की रहमतपुर में शादी हो रही थी, 16 वर्ष की बच्ची की खतौली में शादी हो रही थी। हमने जो है आकर चाइल्डलाइन ने टीम ने शादी रुकवा दी और रुकवा कर वहाँ ग्राम प्रधान आ गए, गांव के सब्रांत लोग भी आ गए। उन्होंने पूछा, हमने कहा देखो ये तो बहुत ही घृणित कार्य है जो बच्चों के साथ हो रहा है, नाबालिग की शादी करना कानूनी अपराध है। तो वहां के प्रधान लोगों ने कहा कि हम जो है भाई अब शादी नहीं करेंगे। हमने कहा आप शादी नहीं करेंगे तो हमें लिख के दीजिए। वहां के प्रधान ने, सब्रांत लोगों ने लिख करके दिया कि जब तक बच्चियाँ शादी नहीं होंगी, बालिग नहीं होंगी, हम शादी नहीं करने देंगे। फिरोजाबाद में जीआरपी एसपी आगरा ने एक बड़ा खुलासा किया। देर रात जीआरपी टोला ने चेकिंग के दौरान कारतूसों की तस्करी करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने दो थैलों से 700 जिंदा कारतूस बरामद किए। वहीं पकड़े गए दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। ये डेली शाम को ट्रेनों में और प्लेटफॉर्म पे शाम को चेकिंग अभियान चलाया जाता है। उसी चेकिंग अभियान के दौरान जो है ये दो अभियुक्त जो है, एक का नाम शादाब है, दूसरे का फैजान है, ये दोनों जो है यही जिला फिरोजाबाद थाना लाइन फायर के रहने वाले हैं। इन दोनों के चेकिंग के दौरान जो है इनसे भारी मात्रा में कारतूस जो है वो बरामद हुआ है, जिनकी कुल संख्या 700 है, जिसमें 315 बोर के, 500 और 32 बोर के जो है लगभग 200 जो है कारतूस जो हैं वो हमें बरामद हुए हैं। इनसे जो पूछताछ की गई है तो उसमें पता चला कि इसमें जो शादाब है ये दिव्यांग है और अपनी दिव्यांगता का भी फायदा उठाते हुए ये कई बार यहाँ से, फिरोजाबाद से और अमरोहा से ये कारतूस जो है वो इकट्ठा करता है। वहाँ से कुछ लोगों से इसके संपर्क हैं और ये बिहार में और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जाकर के इसकी सप्लाई जो है वो करता है। फतेहपुर के अमौली कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर क्षेत्र के लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। स्वास्थ्य मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्र के विधायक राजेंद्र पटेल और बिनकी विधानसभा के विधायक जय कुमार सिंह जैकी शामिल हुए। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमारे सीएससी परिसर मौली में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जहाँ विभिन्न विभागों के पंडाल लगाए गए, जहाँ पे हमारे स्वास्थ्य विभाग के पंडाल, शिक्षा विभाग, खेल कूद विभाग, बाल विकास परियोजना के पंडालों के द्वारा हमारी जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनको सबको लाभान्वित किया गया। मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, इसमें मुफ्त दवा के जाँच वगैरह सबको हम जनमानस को उपलब्ध कराया गया। फर्रुखाबाद में आईजी जोन प्रशांत कुमार ने पुलिस चौकी का उद्घाटन किया, जहां जिले की पुलिस व्यवस्था की समीक्षा बैठक की गई। साथ ही पुलिस लाइन में वाहनों समेत डायल 112 का निरीक्षण कर जानकारी ली। हत्या, लूट, डकैती, महिला अपराधों पर जल्द कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधिकारियों को आदेश भी दिए गए। बुलंदशहर में पुलिस और गौकशी करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक 25,000 रुपये का इनामी बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध असलाह और कारतूस बरामद किया है।
बस्ती के अरैया थाना के NH 28 पर भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि बाइक सवार दो युवक हाईवे पर जा रहे थे, इसी दौरान कंटेनर ने बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर लिया। लगभग 9:30 बजे दो व्यक्ति एक बाइक से रैया से बस्ती की तरफ आ रहे थे और इस बीच में पीछे से आ रहे एक कंटेनर ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला कर करके उन दोनों को टक्कर मारी, जिससे दोनों व्यक्तियों की जिनके नाम क्रमशः राकेश और अमरेश से मृत्यु हो गई है और कंटेनर जिससे ये दुर्घटना घटित हुई है पुलिस ने उसको पकड़ लिया है और इस संबंध में पंचनामा अमेठी के कोतवाली मोहनगंज में तैनात महिला दारोगा रश्मि यादव की उनके सरकारी आवास में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई। उनकी मौत की खबर सुनते ही पुलिस महकमे में भड़कम मच गया। रश्मि यादव की मौत की जांच में पुलिस जुटी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।